हेलो गाइस, अगर आप चाहते हैं इस तरह की जो है वो स्टारफिश बनाना, इसकी मॉडलिंग करना ब्लेंडर के अंदर, तो आज मैं आपको बताऊंगी कैसे जो है हम इसकी मॉडलिंग कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर एक अपना मैश ऐड करेंगे। ऐड पर क्लिक करके मैश पर जाएंगे हम। ये सिलेंडर है, सिलेंडर हम ऐड करेंगे। मैश के अंदर जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर पे है, ठीक है। ये सिलेंडर आपने ऐड कर दिया। अब आप उसको थोड़ा सा करीब लें। ये देखें, इसके वर्टाइसेस देखें कि कितने हैं। यहाँ पे आप वर्टाइसेस जो हैं वो ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 10 सेट किए हैं। आप चाहें तो अपनी इमेज के लिहाज से, यानी कि कोई भी जो आप मॉडलिंग करना चाह रहे हैं किसी भी जो है वो इमेज की, तो उस हिसाब से आप सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन हमें 10 चाहिए यहाँ पर, क्योंकि स्टारफिश के जो आर्म्स होते हैं वो 5 होते हैं, तो इस लिहाज से जो है वो हम 10 सेट करेंगे, ठीक है, ताकि जो है वो हम इसके आर्म्स जो है वो बना सकें, ड्रॉ कर सकें। अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पर एडिट मोड पर जाएंगे। एडिट मोड पर जाके आप एक छोड़कर एक फेस जो है वो उसका सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये जो 10 जो हमने जो है इसके वर्टाइसेस बनाए थे, उसमें आप एक छोड़कर एक को सेलेक्ट करेंगे। ऊपर को डीसेलेक्ट कर दें। यहाँ से एक डीसेलेक्ट किया, एक को सेलेक्ट किया, एक डी सेलेक्ट है, एक सेलेक्ट है हमारा। यहाँ से इसको किया, उसके बाद यहाँ से किया, और ये यहाँ से भी कर दिया। अब आप देखें कि ये एक छोड़ के, और ये नीचे वाला भी जो है वो डी सेलेक्ट कर दें। एक छोड़ के हमने एक जो है वो सेलेक्ट कर लिया है, क्योंकि हमारे 5 जो हैं वो स्टारफिश के जो है वो आर्म्स होते हैं, इस लिहाज से हमने 5 को जो है सेलेक्ट कर लिया, ताकि हम यहाँ पे जो है वो आर्म्स ड्रॉ कर सकें, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी इमेज थोड़ी सी स्टारफिश की तरह लाने के लिए इसको हमें थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो साइजिंग हम इस तरह नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पर ऊपर, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है इस सेकेंड नंबर पर, ठीक है, ट्रांसफॉर्म का। इस पर क्लिक करके इंडिविजुअल ओरिजिन पर क्लिक करेंगे आप, ठीक है। इससे क्या होगा, ये देखें आप। अब आप इसकी साइजिंग करेंगे एस प्रेस करके। इसकी साइजिंग जब आप करेंगे तो ये देखें किस तरह से जो है वो इसका साइज़ जो है वो चेंज हो रहा है। अगर हम वैसे ही जो है वो साइजिंग करते तो ये सारे जो हैं वर्टाइसिस का साइज़ सेम ही रहता और ये इतना छोटा हो जाता। लेकिन हमें क्या करना था कि हमें जो है वो इंडिविजुअल जो है वो चेंजिंग लानी थी, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर क्लिक करके इसको इस तरह का जो है वो साइज़ करके हमने बना लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक एक करके जो है वो हम वर्टाइस फेस सेलेक्ट करके यहाँ से टॉप व्यू पर जाएंगे। टॉप व्यू पर जाके ई प्रेस करके यहाँ पे अगर आम बनाना है, ई प्रेस करेंगे, एक्सक्रूड करेंगे, एस प्रेस करेंगे, साइज़ करेंगे, फिर दोबारा ई प्रेस करेंगे, एक्सक्रूड किया, एस प्रेस करके साइजिंग की, फिर ई प्रेस करेंगे, बल्कि ऐसे करेंगे, पहले हम इसका थोड़ा सा मूवमेंट वाला इसका लुक देंगे, ताकि हम यहाँ से मूव करके, ताकि आर्म्स के मूव करते हुए शो हो, फिर ई प्रेस करके इसकी एक्सक्रूड करके एस प्रेस करके इसकी साइजिंग करेंगे, ठीक है। अब इसको भी यहाँ से थोड़ा सा मूव कर देंगे। अब ये देखें जैसे लग रहा है बिल्कुल आर्म्स का जो है वो मूव होता हुआ इसका लुक दे रहा है, ठीक है ना। इसी तरह से हम अपने जो हैं वो बाकी भी आर्म्स जो हैं वो ड्रॉ करेंगे, एक एक फेस सेलेक्ट करके, और इसको जो है वो हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फेस यहाँ से सेलेक्ट किया, वही जो हमने फर्स्ट फेस के साथ किया था। यहाँ से जाएंगे टॉप व्यू के ऊपर, यहाँ से ई प्रेस करेंगे, एस प्रेस करके साइजिंग,
थोड़ा सा मूव कराएंगे, फिर ई प्रेस करेंगे, एस प्रेस करके साइजिंग, यहाँ से फिर मूव कराया थोड़ा सा, फिर ई प्रेस करेंगे, फिर एस प्रेस करके साइजिंग करेंगे और फिर इसको थोड़ा सा मूव करवा लेंगे। ये देखें आर्म, देखें ऐसा लग रहा है जैसे ये स्टारफिश मूव कर रही है, मतलब कि इसके आर्म्स इस तरह से लगेंगे। इसी तरह से अब हम अपना थर्ड आर्म बनाएंगे, यहीं से वही प्रोसेस टॉप व्यू के ऊपर, सॉरी ई प्रेस करेंगे, एक्सक्रूड किया, एस प्रेस करके साइजिंग की, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लें, अब साइज ठीक है। फिर ई प्रेस करेंगे, एक्सक्रूड किया, एस प्रेस करके साइजिंग की, थोड़ा सा मूव करा लें, फिर दोबारा ई प्रेस करके एक्सक्रूड किया, एस प्रेस करके इसकी साइजिंग कर दी, यहाँ से भी फिर इसको मूव करवा लें। ये हमारे तीन आर्म्स तैयार हो गए। अब दोबारा जो है यहाँ से हम व्यू पर जाएंगे, टॉप व्यू पर ई प्रेस किया, एक्सक्रूड किया, एस प्रेस करके साइजिंग, थोड़ा सा मूव कराएं इसको, फिर ई प्रेस करके एक्सक्रूड किया, एस प्रेस करके साइजिंग, तो ये साइजिंग हो गई, फिर ई प्रेस करके एक्सक्रूड किया, ये एस प्रेस करके साइजिंग कर ली, थोड़ा सा मूव करवा लिया। हमारे लास्ट आर्म रह गया, सेलेक्ट किया, टॉप व्यू पर गए, ई प्रेस किया, एक्सक्रूड किया, एस प्रेस करके साइज, थोड़ा सा मूव करवा लिया इसको, थोड़ा सा ई प्रेस करके फिर दोबारा एक्सक्लूड किया, फिर साइजिंग, ये मूव करवा लिया, ऐसे फिर वही काम, एक्सक्लूड, साइजिंग, इसको मूव, ठीक है। ये आप देख लें, एक रफ सा स्केच इसका बन गया है, ये स्टारफिश लग रही है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, स्टारफिश ऊपर से थोड़ी हल्की सी जो है ताकि इसकी जो है वो मॉडलिंग करेंगे, आई प्रेस करके इसको थोड़ा सा अंदर लेंगे ताकि इसको थोड़ा सा ऊपर करके ना बता सकें कि
लुक्स का अच्छा लाने के लिए। फिर दोबारा आई प्रेस करेंगे, फिर थोड़ा सा इसको करेंगे, ठीक है ये लाइन, मज़ीद और नहीं, बस ठीक है इतना। इसको थोड़ा सा हम बैक पे ले जाते हैं दोबारा से, कंट्रोल जी करके थोड़ा दोबारा, कंट्रोल जी करके इसको भी पीछे लेके जाएं बैक पर, सही है। आई प्रेस करके दोबारा से थोड़ा सा बिल्कुल करेगा, बिल्कुल थोड़ा सा कि लाइन ना आए बिल्कुल भी। अब इसको थोड़ा सा बिल्कुल माइनर से ऊपर करें ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से अब थोड़ी सी फिनिशिंग ला रही हूँ बस मैं, बाकी तो आपके स्टार फेस जो है वो तैयार हो चुकी है। यहाँ से इसके सारे फेसेस सेलेक्ट करेंगे ताकि जो है वो फिनिशिंग आ सके इसके अंदर। ये इसको भी इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी आई प्रेस करके इसको थोड़ा सा यहाँ से इसी में से निकालेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे ताकि स्टार फिश आपकी ना उसके आर्म्स थोड़े से अच्छे लगें। ये देखें, ये देखें आप, यहाँ से इसको थोड़ा सा बैलेंस करेंगे ताकि आर्म्स जो हैं इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे ताकि बिल्कुल स्मूथनेस आए जब आप जो हैं इसके ऊपर। ये देखें, एकदम से नीचे नज़र ना आए, नहीं तो ये लाइनें नज़र आएंगी ना। इसको यहाँ से थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे इसी तरह से बाकी भी आर्म्स के साथ, इसको भी थोड़ा सा यहाँ से ऊपर करेंगे। ये देखें आप, ये देखें, इसको भी थोड़ा सा यहाँ से ऊपर करेंगे और इसको भी। ठीक है, ये नीचे से भी जो है वो थोड़ा सा निकाल लेते हैं यहाँ से आई प्रेस करके, फेस सेलेक्ट करें आई प्रेस करके इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे, इसको थोड़ा सा निकाल लेते हैं बाहर की तरफ ऐसे। ये देखें, उसका लुक देखें, सही। यहाँ पे जाके सॉरी कलर ऐड करते हैं हम इसके अंदर एक न्यू, यहाँ पे हम मटेरियल प्रॉपर्टी ऐड करेंगे इसकी, इसको नाम दे देते हैं हम स्टार का, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे बेस कलर दे दें, कोई भी कलर दे दें, फिलहाल मैं ये दे रही हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बेबी मैं दे देती हूँ आपको कलर, ठीक है। इसको अब जाके हम देखते हैं ऑब्जेक्ट मोड पर कि ये कैसा लुक दे रहे हैं। यहाँ पे पहले मॉडिफायर ऐड कर देते हैं हम, सब डिवीजन मॉडिफायर, इससे क्या होगा कि इस पर स्मूथनेस आ जाएगी।
देखें। इसको थोड़ा सा जो है वो, ये देखें पकड़ दिया ना। अब ये देखें इसका लुक बिल्कुल रियल स्टार फिश की तरह लग रहा है। ये देखें यहाँ पे एक चीज़ नोट करें आप कि बिल्कुल नीचे की तरफ जो है वो देखें नज़र आ रहे हैं ना, एकदम से नीचे हो रहे हैं। इसको थोड़ा सा हम यहाँ से जो है वो एडिट करते हैं ऊपर करके, ताकि इसका लुक बिल्कुल जो है वो स्मूथ आए। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे एजेस, इसको मूव करवा लिया। इसके यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे, इसी तरह से सब तरफ से करेंगे। ये देखें बिल्कुल बैलेंस हो रहा है। थोड़ा सा और ऊपर करें, ये साथ बैलेंस हो गया। इसी तरह से इसको भी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ये साथ टच हो गया। इधर से इसको भी सिलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ये देख लें हर तरफ से हो गया। अब देखें इसको, इसको देखते हैं ऑब्जेक्ट मोड पे जाके, ये देखें इसका लुक। अब देखें बैलेंस हो गया ना यहाँ से, थोड़ा सा यहाँ से और करते हैं, यहाँ से ये देखें आप कि मैं किस तरह से जो है वो उसकी फिनिशिंग दे रही हूँ, ताकि जो है वो स्टारफिश का लुक जो है वो बहुत ही अच्छा आए। ये देखें इस तरह से इसको भी कर लें, ठीक है। ऑब्जेक्ट मोड पे जाके आप चेक करें इसको, ये देखें ठीक है। ये आप उसका लुक देखें, यहाँ पे जाके कलर आप कोई और भी दे सकते हैं, जो जी चाहे कलर दें, अलग अलग कलर चेक करके देखें कि येलो परफेक्ट लग रहा है। येलो कलर अच्छा लग रहा है। ये देखिए हो
ओके गाइस, मज़ीद जो है वो मेरे ट्यूटोरियल्स देखने के लिए जो है मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। उस वक्त तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।